मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद मोहन यादव को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बता दें आपको कि मंत्री मोहन यादव सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए थे। उनके साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद अनिल फिरोजिया, कमल पटेल सहित कई और बीजेपी के नेता मौजूद थे। मोहन यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उज्जैन के बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई। इससे पहले कई कैबिनेट मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जिन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया है। सोमवार को ही मोहन यादव महाकाल की शाही सवारी में भी शामिल हुए थे। उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। फिलहाल उनका इंदौर के अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना की चपेट में आए थे। उससे पहले और भी कई मंत्री, तुलसी सिलावट की हम बात करें, राम खिलावन पटेल की हम बात करें, तमाम मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल दीपक, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, करीब 47,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस बीमारी से, इस वायरस से कोई भी अब तक अछूता नहीं रहा है। अब मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता की बात यह है कि वो सोमवार को महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए थे। इस बार इस सोमवार का जो ये आयोजन था वो इसलिए और भी बड़ा हो गया क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहन यादव, कृषि मंत्री कमल पटेल, अनिल फिरोजिया और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो इस सवारी में शामिल होने पहुंचे थे। बहुत सारे VVIPs थे, कार्यकर्ता थे, इसके साथ श्रद्धालु थे। तो जाहिर तौर पर एक जो जनप्रतिनिधि होता है, एक लीडर होता है, वो बहुत सारे लोगों से संपर्क में होता है, चाहे VVIPs हों, चाहे कार्यकर्ता हों। इन तमाम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं अगर इनके बीच में से कोई व्यक्ति संक्रमित आता है, जैसे अभी उच्च शिक्षा मंत्री संक्रमित पाए गए हैं, तो सबको कहीं ना कहीं खतरा होता है। अब जो मोहन यादव हैं उनकी केस हिस्ट्री निकाली जा रही है, उनकी किन से उन्होंने मुलाकात की थी, किन से मिले थे, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो एक कोरोना गाइडलाइंस के तहत प्रोटोकॉल होता है इस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब वो कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनसे संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करने की सलाह दे रही है और उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे और इसके बाद दीपक ये बात समझ में आएगी कि कितने और लोग अब संक्रमित पाए जाते हैं। इसके पहले भी हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, कैबिनेट मंत्री इसके पहले भी कई मंत्री चपेट में आए थे और एक बार फिर अब कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं मोहन यादव, ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु, हमसे बातचीत करने के लिए।